आयो रे सारे गरीब का राजा, क्षमा पर्व आयो रे मिछानी दुखड़ में करना, सारे जैन कहे साथ मिल के कहे, सारे जैन कहे साथ मिल के कहे, ये मैत्री धारा बहे। पर्युषण आयो रे सारे गरीबों का राजा, क्षमा पर्व आयो रे मिछानी दुखड़ में करना, का भार सारा मिट जाने दो, आतंक की आबा फिर खिल जाने दो, कर्म का भार सारा मिट जाने दो, आतंक की आबा फिर खिल जाने दो। आज मतलब परीक्षण जब से लगने जा रहा है बहुत खुशी है मन में, क्योंकि घर में 24 घंटे कुछ न कुछ हिंसा करनी रहती है, यहाँ 24 घंटे में हमको कुछ हिंसा का दोष नहीं लगा। ठीक है, पानी निमित्त का बनता है हमारी इज्जत है और कुछ दोष नहीं। पूरा दिन अपनी आराधना करो, क्योंकि घर में जाओ खाना बनाओ लाइट बंद करो कुछ न कुछ रहता है। आज इतनी खुशी है कि आज 6 का की जीवन को मेरे को उसको दया करने का पूरा अवसर मिला है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, असली में कुछ भी करो ये मनुष्य जीवन हमको दीक्षा के लिए मिला है। तो कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमको ये जीवन में ऐश करनी है खाने पीने के लिए मिला है, तो खाना पीने के लिए तो सभी कुत्ता होता है ना वाइट डॉग, उसको भी ये सब मिलता है, रोटी मिलती है, अच्छे पिज्ज़ा चाउमीन सब कुछ मिलता है, एक लग्जरी गाड़ी में रहने को सोने को मिलता है, शैम्पू से नहाने को मिलता है। हमको कुछ हटके करना है और इस आत्मा का कल्याण करने के लिए परीक्षण पर्वाधिराज आया है, ये मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है। इसे 8 दिनों में बहुत अच्छे से अच्छी आराधना करूँ, अपने को कर्मों को खपा लूँ, यही मेरा लक्ष्य है। हाँ, एक मतलब दुख भी है, मेरे को सुखी का खुश होने का अवसर भी है। दुखी है कि आज जो लोगों को धर्म आराधना को जोड़ने का अवसर मिला था, कि देखो हम लोग नगरी के जान पहचान भी देखे लोगों को बहुत तपस्या के भाव है कराए, पर कोरोना के हिसाब से लोग बहुत लोगों की एंट्री नहीं है। बस ये सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि भले ही कोरोना के हिसाब से एंट्री नहीं, घर बैठे 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करें, और खुशी होने का ये अवसर है कि ये अवसर मिला है कि अपने पूरे नीतों क्या होते हैं कि जाने आने की यहाँ जाना वहाँ जाना रहता है, और यहाँ पे एक जगह अपनी आराधना करो, बस अपनी आत्मा को पहचानो मेरे को मेरा अपना लक्ष्य क्या है, क्योंकि लक्ष्य के बिना हम लोग भटक जाते हैं, कि लक्ष्य टारगेट को तय नहीं करेंगे तो हम बस रस्ते में उधर उधर फेरे खाते रहते हैं। ऐसे परेशानी के दिनों में सबकी दुकानें बंद रहती हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये 8 दिन का हमको छुट्टी हॉलीडेज मिले तो वो लोग क्या करते हैं कि ताश खेलते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। उन सबके लिए मेरा एक यही मैसेज है, आप कुछ करो या ना करो पर ताश वगैरह खेल के अपने मोबाइल से ज़्यादा टाइम शेयर करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। अपनी जितनी सामायिक हो आराधना हो, आप ये मतलब सब बिजनेसमैन के लिए ये मैं सबको कहना चाहूँगी कि 8 दिनों में हरी सब्जी का त्याग रखें और 7:30 से 7:15 तक खाना खा लें, हो सके तो गर्म पानी का उपयोग करें, नहाने में कम पानी यूज लें, नहाते तो वैसे ही है पर इस उद्देश्य से नहाए कि मैं परमात्मा की पूजा करूँगा और पूरे दिन में कम से कम हिंसा का कार्य करूँगा, लाइट स्विचेस को ऑफ रखें, ऑन ऑफ हो तो ऑन न करें, कम से कम उपयोग लें। बस ये है कि हमको हिंसा के साधनों से बचना है, 8 दिनों में खूब अहिंसा का पालन करें, ये बार परीक्षण का यही संदेश है।